अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में हम डिफरेंट पीरियड्स को डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, बिकॉज एंड पे मैं जैकोबियन पीरियड से रिलेटेड कुछ MCQs भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बेसिकली 17th सेंचुरी को दो पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। एक है द प्योरिटन एज, जिसे एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 1600 से 1660 के दरमियान। एंड सेकंड वन इज़ रेस्टोरेशन पीरियड, जिसे एज ऑफ ट्रेडन भी कहा जाता है, और इसका टाइम पीरियड है 1660 से 1700 के दरमियान। अब जो द प्योरिटन एज है, इसे फर्दर तीन आगे पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। वो तीन पीरियड्स कौन कौन से हैं? नंबर वन जैकोबियन पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1603 से 1625। नंबर टू इज़ कैरोलिन पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1625 से 1649। एंड नंबर थ्री इज़ कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1649 से 1660। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस पिक्चर को आप लोगों ने गौर से देखना है। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 17th सेंचुरी का, जब एलिजबेथ वन की डेथ हुई थी। 1603 में एलिजबेथ वन की डेथ हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, जेम्स सिक्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड सक्सीडेड एलिजबेथ टू द थ्रोन एज जेम्स वन एंड ही वाज द फर्स्ट स्टुअर्ट किंग ऑफ इंग्लैंड। अब जेम्स सिक्स जो था, जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड था, एलिजबेथ वन की डेथ के बाद इंग्लैंड का किंग वही बना था। एलिजबेथ वन की डेथ के बाद उसी ने इक्तदार संभाला था, जो कि फर्स्ट स्टुअर्ट किंग था इंग्लैंड का। अब उसके बाद क्या हुआ था, 5 नवंबर 1605 को अ ग्रुप ऑफ कैथोलिक्स लीड बाय गो फॉक्स ऑर्गेनाइज द गन पाउडर प्लॉट टू ब्लो अप पार्लियामेंट। अब एक ग्रुप था कैथोलिक्स का, जिनका लीडर था गो फॉक्स, उन्होंने गन पाउडर प्लॉट, ये कॉन्स्पायरेसी थी, या मतलब कि एक चाल थी जो कि किसके खिलाफ चली गई थी, जेम्स वन को मारने के लिए ये सब चाल चली गई थी। अब उसके बाद क्या होता है, 1625 में आफ्टर द डेथ ऑफ जेम्स वन, अब नीचे जो चाल चली गई थी उसमें जेम्स वन को कत्ल कर दिया गया था। तो 1625 जो है वो जैकोबियन एरा का एंड है, जिसमें जेम्स वन की डेथ हो गई थी। 1603 से 1625 के दरमियान जैकोबियन पीरियड आता है और 1625 जैकोबियन जेम्स वन की डेथ की डेट है। सो आफ्टर द डेथ ऑफ जेम्स वन, हिज सन चार्ल्स द वन असेंडेड द थ्रोन, ही मैरिड मारिया द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। जब जेम्स वन की डेथ होती है तो उसी का बेटा चार्ल्स वन जो है वो इकतदार में आता है और उसकी शादी मारिया, जो कि किंग ऑफ फ्रांस की बेटी है, उसके साथ हो जाती है। अब इसीलिए इस पीरियड को कैरोलिन पीरियड कहा जाता है। पिछली स्लाइड में हमने जैसा कि पढ़ा है कि प्योरिटन एज को तीन पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है ना। नंबर वन पे जैकोबियन पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1603 से 1625, वो जेम्स वन के रेन का टाइम था। उसके बाद 1625 से 1649 के दरमियान जो टाइम पीरियड आता है, वो आता है कैरोलिन पीरियड, जो कि चार्ल्स वन के रेन का टाइम होता है। उसके बाद 1642 में चार्ल्स अरेस्टेड फाइव मोस्ट एक्सट्रीम एमपीज इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, बट दे एस्केप्ड, द किंग डिक्लेयर्ड वॉर। अब 1642 में होता क्या है कि जो चार्ल्स द वन था वो पांच एमपीज को अरेस्ट करता है, जो कि स्कैप यानी कि भाग जाते हैं। तो किंग जो है वो वॉर डिक्लेयर कर देता है, मतलब जंग छेड़ देता है। अब उसके बाद 1642 से 1649 के दरमियान होता है, देयर वर बैटल्स बिटवीन द रॉयलिस्ट एंड पार्लियामेंटेरियंस। ये जो टाइम पीरियड था ये वार्स का था, जो कि रॉयल्स और पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान में होती हैं। उसके बाद 1648 में चार्ल्स वन वाज कैप्चर्ड एंड ब्रॉट टू लंदन, वेयर ही वाज ट्राइड।
पार्लियामेंटेरियंस आर्मी वॉज लीड बाय ओलिवर क्रॉमवेल। इस पीरियड में क्या होता है, अब 1648 में क्या होता है, चार्ल्स वन को कैप्चर कर लिया जाता है, लंदन ले आया जाता है। और पार्लियामेंटेरियंस को कौन लीड कर रहा होता है, ओलिवर क्रॉमवेल लीड कर रहे होते हैं। अब लास्ट 1649 में क्या हुआ था, द मोनार्की वाज एबॉलिश्ड एंड डिक्लेयर रिपब्लिक द कॉमनवेल्थ, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाज एबॉलिश्ड एंड द सेंसरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड। 1649 में क्या हुआ था, मोनार्की यानी कि बादशाह को ख़त्म कर दिया गया था और रिपब्लिक को कॉमनवेल्थ मान डिक्लेयर कर दिया गया था। मतलब बादशाहत के निज़ाम को ख़त्म करके जो जमहूरी निज़ाम है उसे डिक्लेयर किया गया था, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भी ख़त्म कर दिया गया था, और सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस किया गया था। सेंसरशिप कहते हैं एहतसाबी निज़ाम को इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब यहीं से 1649 से जो 1660 के दरमियान जो पीरियड आता है, इसीलिए उसे कॉमनवेल्थ पीरियड का नाम दिया जाता है। जैकोबियन पीरियड, कैरोलिन पीरियड और कॉमनवेल्थ पीरियड, ये तीनों पीरियड्स जो हैं वो पेरोटन एज के अंडर आते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में दोबारा से खोल लेती हूँ, जैसे कि 17वीं सेंचुरी जो है उसे दो बड़े पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, द पेरोटन एज और रेस्टोरेशन पीरियड। द पेरोटन एज को मैंने ब्रीफली समझा दिया, जो कि इन तीन पीरियड्स में इन्हें डिवाइड किया जाता है और क्यों किया जाता है ये भी बता दिए। और रेस्टोरेशन पीरियड को थोड़ा समय बता दूँ, रेस्टोरेशन पीरियड इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इस टाइम पे मोनार्की वाज रिस्टोर्ड। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कॉमनवेल्थ पीरियड में जो बादशाहत के जो बादशाही निज़ाम था उसे ख़त्म कर दिया गया था, 1660 तक वो ख़त्म ही रहा था। और 1660 को मोनार्की जो थी वो दोबारा रीस्टोर हुई थी, तो इसीलिए उसे रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। अब कुछ एमसीक्यूज बेस्ड नोट्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं वो भी इस वीडियो के साथ अटैच कर देती हूँ। ये एमसीक्यूज बेस्ड नोट्स जैकोबियन एरा से रिलेटेड हैं। इससे पहले मैं कैरोलिन पीरियड, पेरोटन एज और रेस्टोरेशन पीरियड से रिलेटेड एमसीक्यूज बेस्ड नोट्स अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।